रामपाल को घर में सभी अंबर कहते थे। अंबर तुम्हारे और बड़े भैया के बीच हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता है, अब क्या हो गया? राम प्रकाश ने पलटकर जवाब में कहा, पहले तो वो कह रहे थे कि मेरी शादी में सारा खर्च वह करेंगे, लेकिन गहने बनवाने लगे तो 40,000 रुपये मुझसे ले लिए। उस समय मैं पिंटू से 70,000 रुपये लेकर उसमें से 40,000 रुपये उन्हें दे दिए। अब वह अपने पैसे मांग रहे हैं। मैंने भैया से कुछ रुपये देने को कहा तो उन्होंने मुझे गाली देकर भगा दिया। अंबर, तुम भैया का स्वभाव अच्छी तरह जानते हो, उनकी आदत ही ऐसी है, इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं है। राम प्रकाश ने छोटे भाई रामपाल को समझाने के उद्देश्य से कहा, लेकिन रामपाल समझाने के बजाय राम प्रकाश को ही बड़े भाई राजकुमार के खिलाफ भड़काते हुए बोला, तुम भैया को जितना सीधा समझते हो वह उतने सीधे है नहीं, तुम तो उनकी ओर से आंखें मूंदे हुए हो, इसीलिए उनकी बुराई तुम्हें दिखाई नहीं देती। गांव वाले क्या कहते हैं तुम्हें पता है? पूरे गांव में चर्चा है कि रंजना भाभी और बड़े भैया के बीच गलत संबंध है। रामपाल का इतना कहना था कि राम प्रकाश को गुस्सा आ गया। वह थोड़ी ऊंची आवाज में बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है अंबर, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? भैया ऐसा काम नहीं कर सकते, उन पर इस तरह का घिनौना आरोप लगाकर तुम मेरी नज़रों में गिर गए। अगर तुम सच देखना चाहते हो तो जब बड़े भैया तुम्हें और आशा भाभी को किसी रिश्तेदार के यहाँ भेज दे तो रात में अचानक आकर तुम देख लेना, बड़े भैया भाभी रंजना के साथ मिलेंगे। रामपाल ने भी थोड़ी ऊंची आवाज में कहा। छोटे भाई की इस बात से नाराज होकर राम प्रकाश पैर पटकता हुआ चला गया। उसके पीछे पीछे रामपाल भी चला गया। रामपाल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के थाना माल के गांव थावर में अपने बड़े भैया राजकुमार और राम प्रकाश के साथ रहता था। राजकुमार मूल रूप से लखनऊ के ही थाना महिलाबाद के गांव चौसजा का रहने वाला था। 20 साल पहले वह अपने गांव छोड़कर थावर आ गया था और यही रहने लगा था। यहाँ वह अपनी क्लिनिक चलाता था। उसने BUMS की डिग्री ले रखी थी। उसकी क्लिनिक ठीक ठाक चलने लगी थी। उसने अपने दोनों भाइयों राम प्रकाश और रामपाल को भी यही बुलाया था। इस तरह तीनों भाई एक साथ रहने लगे। राजकुमार ही पूरे परिवार की देखभाल करता था। उस दोनों भाई की उम्र में उससे काफ़ी छोटे थे। राजकुमार की शादी आशा के साथ हुई थी। शादी के कई साल के बाद भी जब उसे खुद की कोई संतान नहीं हुई तो उसने सन 2006 में अपनी साली रंजना की शादी अपने छोटे भाई राम प्रकाश से करा दी थी। शादी के बाद रंजना को 2 बेटे 6 साल का तुषार और 3 साल का ईशान और 4 महीने की एक बेटी अनिष्का थी। रंजना ब्यूटी पार्लर का कोर्स की हुई थी, इसीलिए राजकुमार ने उसे घर के एक कमरे में ही ब्यूटी पार्लर खुलवा दिया था। कुछ दिनों पहले राजकुमार ने अपने सबसे छोटे भाई रामपाल की शादी कराई थी। उसकी शादी में उन्होंने करीब 1 लाख रुपये के गहने बनवाए थे। शादी के समय राजकुमार ने रामपाल से कहा था कि शादी के खर्च में वह कुछ मदद करे। तब रामपाल ने इधर उधर से पैसे का जुगाड़ करके राजकुमार को 40,000 रुपये दिए थे। न जाने क्यों राजकुमार उसकी पत्नी आशा रामपाल को पसंद नहीं करते थे। रामपाल को इस बात का एहसास भी था कि भाई भाभी के इस व्यवहार से उसे लगता था कि भैया मंझले भाई राम प्रकाश और उसकी पत्नी रंजना को ही अपनी सारी जायदाद दे देंगे। रामपाल में कुछ बुरी आदतें थीं जिसकी वजह से उसने कई लोगों से कर्ज ले रखा था। कर्ज चुकाने के लिए वह जब भी बड़े भाई राजकुमार से पैसे मांगता वह उसे बेइज्जत करके भगा देता था। रामपाल ने मंझले भाई राम प्रकाश के मन में शंका बीज डाल दिया। एक दिन राम प्रकाश की रिश्तेदारी में शादी थी। राजकुमार ने अपनी पत्नी आशा से कहा वह राम प्रकाश और दोनों बेटों को लेकर शादी में चली जाए।
आशा ने वैसा ही किया। राम प्रकाश ने अपनी पत्नी रंजना से भी शादी में चलने को कहा तो उसने सुबह ब्यूटी पार्लर खोलने का बहाना बनाकर शादी में जाने से मना कर दिया। इस बात से राम प्रकाश की शंका यकीन में बदल गई। उसे रामपाल की बात सच लगी। वह भाभी आशा और दोनों बेटे को लेकर शादी में चला तो गया, लेकिन सभी को वहाँ छोड़कर रात में चुपके से घर आ गया। घर पहुंचकर उसने पत्नी रंजना और बड़े भाई राजकुमार को आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया। इसके बाद उसे पत्नी रंजना और बड़े भाई से नफरत हो गई। इसके बाद वह बड़े भाई से बदला लेने के लिए छोटे भाई रामपाल से मिल गया। अपने अपमान का बदला लेने के लिए दोनों भाइयों ने बड़े भाई की हत्या की योजना बना डाली। 5 नवंबर की रात करीब 2:30 बजे रामपाल मोटरसाइकिल से थावर पहुंचा। योजना के अनुसार राम प्रकाश ने घर का दरवाज़ा पहले से ही खोल रखा था। रामपाल घर में घुसा और क्लिनिक में हसिया और बांका लेकर छिप गया। इसके बाद राम प्रकाश ने पीठ में दर्द होने की बात कहकर रंजना को इंजेक्शन लाने के लिए कहा। रंजना जैसे ही उठकर क्लिनिक की ओर गई, वहां छिपे रामपाल ने उसे पकड़ लिया और ब्यूटी पार्लर वाले कमरे में घसीट ले गया। उसके पीछे राम प्रकाश भी वहां पहुंच गया तो दोनों ने उसे ख़त्म कर दिया। इसके बाद दोनों पहली मंजिल पर गए जहां राजकुमार पत्नी आशा के साथ सो रहा था। दोनों ने पहले आशा पे वार किया। आशा की चीख से राजकुमार जाग गया तो दोनों उस पर टूट पड़े। जब रामपाल और राम प्रकाश को लगा कि दोनों मर गए हैं तो राम प्रकाश ने बांका और हसिया घर के बाहर फेंक दिया और रामपाल को भाग जाने को कहा। जब रामपाल भाग गया तो वह दरवाज़ा खोलकर चिल्लाने लगा कि घर में बदमाश घुस आए हैं। शोर सुनकर गांव वाले इकट्ठा हो गए। उस समय राजकुमार कराह कर रहा था, लेकिन अस्पताल जाते समय उसकी मौत हो गई। राम प्रकाश ने गांव के ही दो लोगों राजा राम और प्रेम रैदास के खिलाफ हत्या का शक जताते हुए मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने जांच की तो नामजद लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर ने इस हत्याकांड का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस पर दबाव डाला तो गांव वालों ने भी सड़क जाम करके पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। तब लखनऊ के SSP राजेश कुमार पांडे ने थाना मान के थाना प्रभारी विनय तिवारी, SSI गणेश तिवारी, क्राइम ब्रांच के भगवान सिंह, अनिल सिंह चंदेल और हमीद उल्ला की एक टीम बनाई जिसका नेतृत्व महिला बाद के CO जावेद खान को सौंपा। आखिर 4 दिनों के बाद 9 नवंबर को इस टीम ने राजकुमार, आशा और रंजना की हत्या के आरोपों में राजकुमार के दोनों सगे भाई राम प्रकाश और रामपाल को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में रामपाल और राम प्रकाश ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। दरअसल जब पुलिस घटना स्थल पर पहुंची तो वहां लूट का कोई सबूत नहीं मिला था। आस पड़ोस वालों ने बदमाशों के आने जाने की आवाज़ भी नहीं सुनी थी। रामपाल जब वहां पहुंचा तो उसे देखकर ही लग रहा था कि वह अभी अभी नहा कर आया है। उसके बाल भी गीले थे। नहाने वाली जगह पर भीगा तौलिया मौजूद था, उस पर खून के कुछ दाग भी लगे थे। राम प्रकाश ने बताया कि बदमाशों ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया था, लेकिन जब पुलिस ने गांव वालों से पूछा कि घर का दरवाज़ा किसने खोला था तो कोई सामने नहीं आया। इससे पुलिस को लगा कि हत्या में घर वालों का ही हाथ है। बाद में पूछताछ में यह बातें सामने आई कि पूछताछ में राम प्रकाश ने कहा, मैं भाभी आशा को बहुत मानता था, वह हमें भी बेटे की तरह मानती थी। रंजना उनकी सगी बहन थी। उन्हें रंजना की हत्या में मेरे शामिल होने का पता चलता तो वह हमारे खिलाफ हो जाती। रंजना ने जो किया था मुझे
उस बात से उससे चिढ़ हो गई थी। इस हालत में न चाहते हुए मुझे भाभी की हत्या करनी पड़ी। आज की कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को ऑल पे दबाकर, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।